अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आप लोगों का कोर्स बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है, तो आज आप लोगों ने सीखना है कि किस तरह हम अपनी कोई भी ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल्स हैं, अगर आपके पास कोई और भी स्किल्स हैं, उनके उनके थ्रू हम ऑनलाइन फाइवर फ्रीलांसिंग के थ्रू यूज करते हुए फ्रीलांसिंग करते हुए fiverr.com की वेबसाइट है, फाइवर के थ्रू हम किस तरह कमा सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिंपली अपने गूगल क्रोम पर जाते हैं और सर्च करेंगे हम यहाँ पर फाइवर, यहाँ पर फाइवर लिख देंगे। हमारे पास थोड़ा सा टाइम लेगा, ये हमारे पास फाइवर की वेबसाइट आ जाएगी। ग्रीन कलर का लोगो है, इसको हम ओपन कर लेंगे। यहाँ पर अब हमें बहुत सारी चीजें शो हो रही हैं, जिस तरह की ये है पॉपुलर सर्विसेज एटसेट्रा एटसेट्रा। ये जो आपको पेज शो हो रहा है, ये उनके लिए है जो लोग कुछ बाय करना चाहते हैं। यानी जैसा कि आप यहाँ पर आते हैं, आप कहते हैं कि मुझे एक काम करवाना है और मुझे कुछ काम करने के लिए बंदे चाहिए। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है बिकम अ सेलर, आप लोगों ने इस पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, लेकिन मैं ये एक डिफरेंट अकाउंट यूज करके बना रहा हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप हमें बहुत सारी चीजें दिखाता रहेगा, लेकिन हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर लॉगिन हमें कह रहा है। तो मैं यहाँ पर अपनी ईमेल के थ्रू भी लॉगिन कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो कंटिन्यू विद गूगल करके इधर से ही डायरेक्ट लॉगिन कर सकता हूँ। तो मैं फिलहाल कंटिन्यू विद गूगल कर रहा हूँ, सबसे ईजीएस्ट वे है ये हमारे पास। अगर आपने क्रोम में लॉगिन किया हुआ है, तो सबसे ईजी वे आपके पास यही होगा कि आप कंटिन्यू विद गूगल कर दें। ठीक है, यहाँ पर मैं अकाउंट सेलेक्ट कर रहा करने का पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पर अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ कि ये मेरा अकाउंट, इससे लॉगिन कर लें। थोड़ा सा टाइम लेगा और ये आपके पास लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, अभी आपसे कहेगा कि आप अपना कोई भी यूजर नेम रख लें, तो आपने हमेशा अपना कोई वैलिड यूजर नेम रखना है। तो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ अब्दुल्ला, एज मेरा नेम अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला आबिद। अगर ये एक्सेप्ट नहीं करेगा तो हम यहाँ पर कोई भी वर्ड डाल सकते हैं, नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, इसने ये एक्सेप्ट कर लिया, मैं यहाँ पर सिंपली ज्वाइन कर लूंगा, इसको इग्नोर करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपका अकाउंट बना देगा। हेलो जी, और आपका सेलर अकाउंट अब बन चुका है। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, आप अपनी प्रोफाइल भी देख सकते हैं यहाँ से। काफी टाइम ले रहा है। सबसे पहला जो आपका काम होगा अपना अकाउंट बनाने के बाद, वो होगा आपने अपनी प्रोफाइल पूरी जो है कंप्लीट जो है सेटअप करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपनी कोई भी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ से लगा लेंगे। मैं यहाँ पर रैंडमली कोई भी प्रोफाइल पिक्चर लेके आके लगा लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाली प्रोफाइल पिक्चर लगाना चाहता हूँ। ठीक है, ये मैंने प्रोफाइल पिक्चर लगा ली अपनी। अपना डिस्प्ले नेम जो शो होगा आपको, वो लगा सकते हैं यहाँ पर, मैं लगा रहा हूँ अब्दुल्ला आबिद। ठीक है, सेव कर लेंगे और प्रीव्यू हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम ये हमें हमारी लोकेशन दिखा रहा है कि पाकिस्तान से हैं, सिंस हमने ज्वाइन कब किया है, 20 मई 2023 में ज्वाइन किया है, 2023। लर्न फ्रॉम फाइवर, यहाँ पर अब आपको ये वाला जो पेज है, ये आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है फाइवर के, आप फाइवर के पास सीखें, फाइवर से कोर्सेज करें, उसके बाद आप उन्हीं कोर्सेज के थ्रू कमाना शुरू करें। इसको आप इग्नोर करेंगे, आगे चलेंगे। इसी तरह आप अपने प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन एडिट कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपडेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने अपने प्रोफाइल के बारे में सब कुछ लिखना है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, जो जो सर्विसेज आप देते हैं, मतलब जो जो आपके पास स्किल्स हैं और आप उनको सेल करना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपके पास ग्राफिक्स डिजाइनिंग की स्किल्स हैं तो आप तभी फाइवर पर काम कर सकते हैं, आपके पास कोई प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं तभी आप काम कर सकते हैं, आपके पास अगर आप अगर कोई सिविल इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ मैट्रिक पास भी हैं, आपको एक MS वर्ड सिर्फ चलाना आता है, तो आप उसकी भी यहाँ पर गिग बनाकर
अपनी प्रोफाइल तैयार करके यहाँ पर सर्विसेज ले सकते हैं। कोई भी ऐसा मशहूर सॉफ्टवेयर, आपको मैं सॉफ्टवेयर्स भी बता दूंगा, एडोबी इलस्ट्रेटर हो गया ग्राफिक्स डिजाइनिंग के लिए, एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस का कोई भी सॉफ्टवेयर आपको अगर परफेक्टली आता है, तो पूरी तरह से नहीं भी आता तो आप फिर भी यहाँ पर अपना काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप वो लिखेंगे जो आप सर्विसेज दे रहे हैं, आप जो अपने बारे में सब कुछ लिख देंगे कि मेरे पास ये स्किल्स हैं, मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दे सकता हूँ कि आई एम अ, यहाँ पर आपने पंक्चुएशन का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि फाइवर इसके ऊपर बहुत वर्क करता है, क्योंकि फाइवर जो है वो डिफरेंट लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो ये आपकी डिस्क्रिप्शन को अलग लैंग्वेजेस के पीपल को उनकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके दिखाता है। ठीक है, उसके लिए यहाँ पर आपके पास बिल्कुल कोई ग्रामर की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आई एम अ ग्राफिक, मैं लिख देता हूँ कि ग्राफिक डिजाइनर एंड ग्राफिक डिजाइनर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रोग्रामर एज वेल, वेब डिजाइनर भी लिख लेते हैं, मतलब जितनी भी आपके पास स्किल्स हैं ना वो आप यहाँ पर लिख लें। आई सुजेस्ट कि आप सारी स्किल्स यहाँ पर लिख लें जो जो आपके पास है, आपकी कोई हॉबीज भी है ना वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, आई प्ले फुटबॉल फॉर एग्जाम्पल, यहाँ लिख देता हूँ इन माई फ्री टाइम। ओके, ये आप लिख सकते हैं। इसी तरह आप बस ये छोटी सी डिस्क्रिप्शन होगी आप अपडेट कर देंगे। ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर इंग्लिश बेसिक लैंग्वेज आपकी इंग्लिश, अगर आप बेसिक नहीं कहते, आप कहते हैं मेरी इंग्लिश बहुत कन्वर्सेशनल, मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूँ एटलीस्ट, आप कन्वर्सेशनल सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं तो आप फ्लुएंट सेलेक्ट कर लेंगे। नेटिव उसके लिए है जो आम अपनी आम रूटीन में बोलता ही सिर्फ इंग्लिश है, उसके लिए ये वाला ऑप्शन है कि वो नेटिव इंग्लिश है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फ्लुएंट फिलहाल कर लेता हूँ और अपडेट कर देता हूँ इसको। ठीक है, मेरी ये वाली पोस्ट भी अपडेट हो गई फ्लुएंट। और अगर आप कोई और लैंग्वेज इंग्लिश के अलावा जानते हैं तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं उर्दू भी ऐड कर सकता हूँ, ये देखिए मेरे पास ऑप्शन आ रहा है उर्दू का। ठीक है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उर्दू यहाँ पर कभी ऐड ना करें। ठीक है, इसका फायदा ये है कि अगर आपके पास आपका जो क्लाइंट है वो आपका क्लाइंट, क्योंकि मैक्सिमम जो आप मेरे कहना कि मैक्सिमम जो है आपका बायर अदर कंट्रीज फॉरेन कंट्रीज से होते हैं। ठीक है, तो वो आपको उर्दू देखकर वो आपको मतलब थोड़ा सा डाउन वर्ड भी कर लेते हैं, मतलब आपकी रैंकिंग थोड़ी कम कर लेते हैं, मतलब वो समझते हैं कि ये थोड़ा बैकवर्ड टाइप, मतलब उनके लिहाज से होता है। लेकिन आप अगर चाहें तो आप उर्दू भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप लिंक्ड अकाउंट्स, आप कोई भी अकाउंट अपना लिंक करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँ यहाँ पर आप 2 से 3 तो करें ही करें। ठीक है, तो यहाँ फेसबुक आप ऐड कर लें, यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे तो आपको जिस तरह आप फेसबुक वगैरह लॉगिन करते हैं तो वो आपको पूछेगा कि आपका फेसबुक का अकाउंट का वो जो है जो भी लिंक वगैरह वो प्रोफाइल का यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, ड्रिबल गूगल वगैरह। ठीक है, इसमें मैं बता देता हूँ ट्विटर फेसबुक और ये गूगल प्लस, ये वाली और वीमियो, ये वाली वेबसाइट तो सोशल मीडिया है ना, ये गिटहब जो है मैक्सिमम प्रोग्रामर्स यूज करते हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स यूज करते हैं, या वो लोग यूज करते हैं जिन्होंने कोई भी प्रोजेक्ट्स बनाए होते हैं अपने कंप्यूटर्स में या मोबाइल्स में, मोबाइल फोन्स में, तो वो गिटहब पर अपलोड करते हैं और यहाँ पर उस गिटहब का अपना लिंक दे देते हैं ताकि वहां पर आपका वर्क जो भी अपलोड हुआ होता है वो आपका क्लाइंट सबसे पहले आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स में जाके आपकी प्रोफाइल्स देखता है। आपका अगर वहां पर ओल्ड कोई वर्क होता है तो आपको वहां से आपका वर्क देख के उसको इंस्पिरेशन होती है, वो आपके वर्क से इंस्पायर होता है, वो कहता है ठीक है इसी बंदे को काम दो, ये बंदा स्केलफुल है। ड्रिबल पर भी आप अपना पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं, वहां पर आप अपनी अपना वर्क अपलोड कर सकते हैं, ड्रिबल एक वेबसाइट। ठीक है, उधर भी आप अपना वर्क अपलोड कर सकते हैं, तो वहां पर आपकी प्रोफाइल का लिंक अगर यहाँ पर होगा तो वो खोल कर देखेगा। इसी तरह क्लाइंट स्टैक ओवरफ्लो प्रोग्रामर्स के लिए मैक्सिमम यूज होता है। उसके बाद आप अपनी स्किल्स बताएंगे, अब यहाँ पर आप अपनी मर्जी से नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आपको फाइवर जो है कुछ स्किल्स अवेल करता है, आपने उनमें से लिखनी होती है। जैसे मैं अब अगर सर्च करूं ग्राफिक्स, यहाँ पर बहुत सारे आ गए। ठीक है, यहाँ पर देखें ग्राफिक एडिटिंग एटसेट्रा, आप इस ग्राफिक की कोई स्पेसिफिक फील्ड, जैसे कि अगर ग्राफिक्स में आप देखें तो आप लोगों को पता ही होगा ग्राफिक्स क्या होता है। ग्राफिक में अगर आप देखें तो पोस्टर, अगर आपने कोई डिजाइन करते हैं, सिर्फ अगर आप पोस्टर ही डिजाइन करते हैं तो आप यहाँ पर पोस्टर भी सर्च करेंगे तो वो भी आ जाएगा। यानी अगर आप जनरल स्किल नहीं करना चाह रहे कि ग्राफिक डिजाइनर नहीं मैं सिर्फ पोस्टर डिजाइनर हूँ, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, स्किल्स में। और आप अगर कहेंगे अगर आपका एक्सपीरियंस कितना है तो मैं जो यहाँ पर एक्सपर्ट डालूंगा क्योंकि मैं
अनगिनत पोस्टर बना चुका हूँ अभी तक। तो आप अगर और भी स्किल्स हैं तो आप ऐड करते जाएंगे, ठीक है? जितनी स्किल्स हैं आपके पास आप ऐड करते जाएंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जावा स्क्रिप्ट, ठीक है? ये देखें, जावा स्क्रिप्ट की स्किल है मेरे पास। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो मैं कर देता हूँ, कह देता हूँ कि मैं बिगिनर हूँ, ठीक है? मैंने थोड़ा बहुत टच किया हुआ है। इस तरह अगर मैं HTML फॉर एग्जाम्पल कोई लैंग्वेज, अच्छा अगर आप सॉफ्टवेयर से रिलेटेड स्टडीज नहीं करते, ठीक है, अगर आपका आपकी स्किल्स जो हैं वो सिविल से रिलेटेड है या फिर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, तो आप वहाँ वो भी यहाँ पर स्किल्स अपनी ऐड कर सकते हैं। यानी अगर आप उन स्किल्स के थ्रू काम करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं फिलहाल कैंसिल करता हूँ, आगे चलते हैं स्किल्स में। आपको समझ आ गई कि आपने स्किल्स आपके पास जो भी हैं वो आपने ऐड कर लेनी है, और वो आपको यहाँ पर जितनी गिवन है उन्हीं में से ऐड कर सकते हैं, ठीक है? आपने सर्च करना है आपके पास आ जाएंगे। एजुकेशन आपने अपनी यहाँ पर ऐड कर देनी कि मैं किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, किस आपने इस मैं सुजेस्ट करूंगा कि जो लेटेस्ट एजुकेशन आपने की है ना, आप वो वहाँ यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है? और आप जिस स्किल के लिए यहाँ पर काम करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ग्राफिक्स डिजाइनर के लिए काम करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आपको किसी ना किसी इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट मिला होगा कि आपने वहाँ उस इंस्टीट्यूट से ग्राफिक्स डिजाइनिंग का कोर्स किया है, तो उन्होंने आपको सर्टिफिकेट दिया, तो आप वो सर्टिफिकेशन यहाँ पर ऐड करेंगे। अगर आप कोई प्रोग्रामिंग स्किल्स करना चाह के ऊपर काम यहाँ पर करना चाह रहे हैं, के लिए उसके लिए फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, तो हो अगर आपने अगर तो आपने यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है और यूनिवर्सिटी की डिग्री है आपके पास, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मस्ट आप वो यूनिवर्सिटी की डिग्री यहाँ पर डालें, तो आपकी सर्टिफिकेशन देखकर आपको फौरन ही काम दे दिया जाएगा, ठीक है? ये सारी थी बेसिक चीजें, प्रोफाइल आपकी, जो आपने प्रोफाइल कंप्लीट करनी होती है, ठीक है? तो आपकी प्रोफाइल अब इस इन सब चीजों को ऐड करने के बाद बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हमारा अब सेकेंड स्टेप जो है, फर्स्ट थर्ड स्टेप, फर्स्ट स्टेप हमारा था हमने लॉगिन किया, ठीक है, फाइवर का अकाउंट बन गया। सेकंड स्टेप ये था कि हमने अपनी प्रोफाइल अपडेट की, अपनी पिक्चर, अपना नेम, अपना कंप्लीट ये लोकेशन वगैरह तो पहले से ही आपकी ऐड होगी। आपने अपनी लैंग्वेजेस डाली, डिस्क्रिप्शन में अपने बारे में एक्सप्लेन किया कि मैं ये हूँ, ठीक है, मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मेरी हॉबीज ये हैं, मैं फ्री टाइम में ये करता हूँ, मैं ड्राइंग करता हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसी तरह आपने उसके बाद अपने अकाउंट्स लिंक किए कि मैं फेसबुक पे मेरी ये प्रोफाइल है, मेरी ट्विटर पे ये प्रोफाइल है, आप देख सकते हैं जाकर। इसी तरह आपने स्किल्स ऐड की, उसके बाद एजुकेशन अपनी ऐड की, लेटेस्ट एजुकेशन। अगर आप मैट्रिक आपने मैट्रिक किया तो आप अभी मैट्रिक की डिग्री यहाँ पर लगाएंगे। आई एम सॉरी, मैट्रिक की डिग्री नहीं, मैट्रिक के स्कूल वगैरह के बारे में बताएंगे, ठीक है? तो अगर आप पाकिस्तान से, यहाँ पर आपको हर कंट्री का गिवन है, यहाँ पर आप पाकिस्तान भी ऐड कर सकते हैं। देखिए पाकिस्तान में मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में अगर डालूँ कॉम सेट्स, ये देखें अगर आपके पास आ रहा है कॉम सेट्स यूनिवर्सिटी, ठीक है? इसी तरह आप कोई भी यूनिवर्सिटी, आपकी कोई भी एजुकेशन लेटेस्ट जो है, कॉलेज है चाहे स्कूल ही क्यों ना हो, वो आप यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है? सर्टिफिकेशन आ गई, और ये हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा आता है सबसे मेन स्टेप, थर्ड स्टेप, और वो है बिकम अ सेलर। यहाँ पर हमने अपनी गिग बनानी होती है। गिग क्या होती है? गिग एक ऐसी चीज है कि जिसके ऊपर आपका क्लाइंट क्लिक करता है और आपके पूरी इंफॉर्मेशन देखता है कि आप क्या क्या ऑफर कर रहे हैं। यानी कि गिग एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, और उसमें आपने कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी होती है कि मैं ये सर्विस सेल कर रहा हूँ, ठीक है, और इस सर्विस में मैं इतने चार्जेस ले रहा हूँ, और इस सर्विस में आपको ये मिलेगा, ये चीज़ें आपको एडिशनल मिलेंगी, अगर आपने कोई चेंजेस करवाने हैं तो आपको इतने चार्जेस एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। वो सारी जितनी भी डिटेल्स हैं ना, वो सारी गिग में होती है, ठीक है? लर्न व्हाट मेक्स अ सक्सेसफुल प्रोफाइल। आपने प्रोफाइल बना ली, ये पहला स्टेप हमारा, ये वाला स्टेप हमने कर चुके हैं। क्रिएट योर सेलर प्रोफाइल, वही हमने जो प्रोफाइल पिक्चर डिस्क्रिप्शन एंड प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन, ये भी हम कर चुके हैं। अब हमारा काम आता है क्रिएट अ गिग ऑफ द सर्विस यू आर ऑफरिंग एंड स्टार्ट सेलिंग इंस्टेंटली, ठीक है? कंटिन्यू करेंगे, टेक योर टाइम, व्हाट मेक्स अ सक्सेसफुल प्रोफाइल, इसी तरह आप कंटिन्यू करते जाएंगे। ये सारा कुछ आप थॉरली रीड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तो किया, इसमें कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ। आपका जो नेम है वो आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे, फुल नेम, फर्स्ट नेम, काइंडली इट, मुझे पता था कि कुछ स्टूडेंट्स बीच में आते हैं इस तरह के, बट मैं सेटिंग्स करना भूल गया था, ठीक है? अब हम फुल नेम यहाँ पर अपना ऐड कर लेंगे,
मैं, मेरा नेम है अब्दुल्ला, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अब्दुल्ला, और लास्ट नेम है आबिद, ठीक है। ये मेरा नेम फुल नेम हो गया, और जो हमने नेम डिस्प्ले करवाना है, अगर तो आप किसी कंपनी के थ्रू काम करें, यानी अगर आपकी कोई कंपनी है और आप वहां पर आपके साथ आपके पास ग्रुप ऑफ पीपल अवेलेबल हैं जो मिलके वो काम करें, तो आप यहाँ पर अपना नेम लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर आपने प्रोफाइल पिक्चर ऐड करनी है, तो यहाँ पर आप वो जो आपकी पिक्चर थी वो आपकी प्रोफाइल पिक्चर थी, ठीक है, आपकी पर्सनल प्रोफाइल पिक्चर। यहाँ पर जो आपने ऐड करनी है, अगर तो आप ग्रुप ऑफ पीपल आप मिलके काम कर रहे हैं, तो आप अपनी किसी, अगर आपका कोई कंपनी आप एज अ बनाई हुई, कोई उसका लोगो वगैरह है, तो आप वो ऐड कर सकते हैं। या अगर आप सोलो अकेले काम कर रहे हैं, तो आप सिंपल अपनी पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन वही आपकी प्रोफाइल वाली होगी, और लैंग्वेजेस भी वही आपने जो प्रोफाइल में ऐड की थी, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू क्लिक नहीं हो, आई थिंक कोई चीज हमने नेम पिक्चर भी ऐड की, डिस्क्रिप्शन भी लिखी है, लैंग्वेज आई थिंक ये कह रहा है कि आप कंटिन्यू, देखो स्टेप मिस हो गया। ये अगर आप सिंगल कर लें, आई थिंक आपको एक और लैंग्वेज ऐड करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ उर्दू, सर्च कर लेते हैं उर्दू, ठीक है। लैंग्वेज लेवल मैं कर देता हूँ नेटिव और ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब हम कंटिन्यू कर देते हैं, ये हमारा आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, सब कुछ फिल तो हो गया। चलिए यहाँ पर थोड़ा और लिख लेते हैं, आई एम एन आर्टिस्ट। अच्छा, यहाँ पर आपने एटलीस्ट 150 करेक्टर्स ऐड करने ही होते हैं, मस्ट है आपके पास, ठीक है। आई एम एन आर्टिस्ट एंड आर्किटेक्ट, कोई भी आप यहाँ पर अपनी अपनी बारे में जो इन्फॉर्मेशन आप डालना चाहें डाल सकते हैं। ठीक है, ये आपने ऐड कर लिया, ठीक है। 150 प्लस करेक्टर्स होने चाहिए। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। हमारा ये गिग बनाने के हमारे पास यहाँ पर 4 स्टेप्स हैं, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है, और सेकंड स्टेप है हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन। अभी हमारी गिग कंप्लीटली शुरू नहीं हुई, आप अभी देखेंगे, ठीक है। योर ऑक्यूपेशन, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप मेनली ओवरऑल जनरली आप क्या चीज करते हैं, ठीक है। जनरली आपका जो जनरल, यानी इन इन कुछ कुछ इन ऑप्शंस में से आप कौन सी चीज में किस कैटेगरी में लाए करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फिलहाल ग्राफिक एंड डिजाइन ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ग्राफिक एंड डिजाइन में काम करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर ग्राफिक एंड डिजाइन ले लेता हूँ। उसके बाद हमें कह रहा है कि 2 to 5 ऑफ योर बेस्ट स्किल्स इन ग्राफिक डिजाइन। अब यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि आप ग्राफिक डिजाइन के अंदर फर्दर कौन सी आपके पास बेस्ट स्किल्स है। मिनिमम आपने 2 बतानी है और मैक्सिमम 5, यानी आप कम से कम 2 बता सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 5, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको हमने गौर से पढ़ना है, तो हम यहाँ पर देखेंगे हमें कौन कौन सी आती है, ठीक है। हम पैशन डिजाइन कर लेते हैं, लोगो डिजाइन कर लेते हैं, टी शर्ट डिजाइन कर लेते हैं, प्रेजेंटेशन कर देते हैं, द इन्फोग्राफिक कर देते हैं, फ्लायर, देखें अब 5 हो गई है, 5 से ज्यादा सिलेक्ट नहीं होगी। मैं यहाँ पर, ठीक है, ये हमने 5 सिलेक्ट कर ली है फिलहाल, आप जितनी चाहें कर सकते हैं। अगर अगर आपके पास ये आपकी जो स्किल है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो आप इनमें से किसी को भी अनसेलेक्ट करें और यहाँ पर ऐड न्यू करके अपनी खुद भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं अगर देखूँ तो यहाँ मेरे आई थिंक पोस्टर डिजाइन नहीं है, तो मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ पोस्टर डिजाइन, ठीक है। यहाँ पर मैं, ओ आई थिंक, ठीक
ठीक है, अगर ग्राफिक डिजाइनिंग के अलावा भी आप करना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग मैं कर देता हूँ, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ लोकल एसईओ, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, वीडियो मेकिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। इसी तरह बस दो मैक्सिमम दो आप कैटेगरीज यूज कर सकते हैं। मैंने एक कैटेगरी ग्राफिक डिजाइन यूज कर ली, एक डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है स्किल्स, आपकी जो स्किल्स हैं, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी ऐड कर दी थी अपनी प्रोफाइल में, तो इसको हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारी एजुकेशन भी हमने प्रोफाइल में ऐड की होगी, लेकिन अब यहाँ पर रिक्वायर्ड है, तो मैं अगेन आई थिंक रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, इधर रिक्वायर्ड का साइन नहीं है। तो ये आप अपनी प्रोफाइल में ऐड कर लेंगे अपनी एजुकेशन। इसी तरह आपने अपने सर्टिफिकेशन ऐड कर लेनी है, और पर्सनल कोई आपका आपकी जो पर्सनल अपनी वेबसाइट है, या अगर आपने कोई भी पेज बनाया हुआ है, आप चाहते हैं तो आप अपना फेसबुक पेज भी यहाँ पर लिंक दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप कंटिन्यू कर देंगे सिंपली, ये मुझे ऊपर मिल गया है। ठीक, आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आपने ये काम कब से कब तक किया हुआ है, ये हम लिखना भूल गए हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मैं 2017 से 2023, और इसका लिख लेते हैं 2022 से 2023, ठीक है। यहाँ पर आपने लिख लेना कि मैंने 2017 से 2023 तक, जिधर जिस टाइम से आपने जिस टाइम तक अपना वो ये वाला काम जो आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, इन सब में से वो आप करते हैं, तो आपने यहाँ पर उसकी डेट लिख लेनी है। इसी तरह बस कंप्लीट हो गया, अब हम कंटिन्यू करते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन भी कंप्लीट, अब लिंक्ड अकाउंट्स अब वो बार आपसे कह रहे हैं, तो ये हमने जो अपनी प्रोफाइल में स्टेप किया था वहीं पे हो जाएगा, आपने जो जो अकाउंट्स लिंक किए हैं, कनेक्ट किए हैं, वो होके हो जाएंगे, ठीक है, हुए होंगे यहाँ पर, आपने कंटिन्यू कर देना है। अब अकाउंट सिक्योरिटी आपसे पूछ रहा है कि आपने कोई फोन नंबर ऐड करना है, तो आपका फोन नंबर जो ऐड करना है वो मस्ट है, उसके बगैर ये स्टेप आगे आपका नहीं मूव करेगा, ठीक है। अभी आपकी 35% कंप्लीशन हुई है, फोन नंबर आपका ऐड करना बिल्कुल मस्ट है, तो आप यहाँ पर ऐड फोन नंबर करेंगे। सबसे पहले कंट्री सिलेक्ट कर लेते हैं पाकिस्तान, उसके बाद आपका जो भी फोन नंबर है वो आप यहाँ लिख देंगे, फर्स्ट 0 नहीं लिखेंगे फोन नंबर का, तो उसके आगे जितने भी लेटर्स हैं वो फोन नंबर के ऐड कर देंगे। तो मैं फिलहाल यहाँ पर अपना फोन नंबर ऐड कर देता हूँ, आप अपना मोबाइल फोन उठा लेंगे अपने सामने और अपना यहाँ पर फोन नंबर ऐड कर देंगे, ठीक है। ये मैंने फोन नंबर ऐड कर दिया। उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं आप एसएमएस से वेरीफाई कराना चाहते हैं या कॉल एसएमएस, कहता हूँ मैं एसएमएस से वेरीफाई करवाना चाहता हूँ अपना फोन नंबर, तो कहेगा हमें कोड बता दें, वेरीफिकेशन कोड कोई आ रहा है आपके पास, तो कोई भी आपके पास कोड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने लगा देना है और सबमिट कोड कर देना है। ओके, आपका फोन नंबर वेरीफाई हो गया, थैंक यू सो मच, ठीक है, ठीक। अब आपसे पूछा कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐड कर लें, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ व्हाट वाज योर द नेम ऑफ योर फर्स्ट पेट, कोई भी आप यहाँ पर ऐड कर दें, मैं कैट लिख देता हूँ, ठीक है। आपका कोई भी यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन आप ऐड कर लें रैंडमली, इसका कोई इशू नहीं होगा। वेरीफिकेशन आपकी कंप्लीट होगी, थैंक यू, ओके। अब जो हमारा प्रोसेस शुरू होगा वो देखेंगे। ये सारी हमारी गिग बनाने की प्रीलिमिनरीज थी, यानी गिग बनाने से पहले जो चीज़ें मस्ट होती हैं वो आपसे फाइवर करवा लेता है। यहाँ तक जो आपने किया है ये स्टेप्स आपको दोबारा नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। जो गिग है वो आपको अकॉर्डिंगली बनाते रहनी है, यानी अब आपका मूड है कि आप इस टाइम पे पोस्टर डिजाइनिंग की स्किल आपके पास बेस्ट है, तो आप क्या करेंगे कि फिनिश, आप क्या करेंगे कि आप अपनी उसकी गिग बना लेंगे। उसके बाद अगर आपका मूड नहीं है कि मैं पोस्टर डिजाइनिंग करूँ, तो आप किसी और चीज़ में आपकी अपनी कोई और स्किल पे वर्क करना चाहते हैं, तो आप उसकी गिग बना लेंगे, ठीक है। वहां तक जो हमारे स्टेप्स थे वो हमने एक ही बार करने थे, वो हम दोबारा नहीं करने वाले। अब जो स्टेप्स हैं ये हमारी गिग बनाना स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ये 6 स्टेप में गिग बनती है, ठीक है। और ये जो स्टेप्स हैं इन स्टेप्स को आप हर बार करेंगे, जिस बार जितनी बार आप गिग बनाएंगे उतनी बार आप ये वाले स्टेप्स करेंगे, ठीक है। तो हम गिग बनाते वक्त सबसे पहले हमें कहता है कि आपकी गिग का टाइटल क्या होना चाहिए, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि क्लियर नजर आ जाए, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा आपकी गिग का टाइटल आप बता दें, यहाँ आपको एक अगर आप इसके ऊपर एरो लेके जाए तो आपको सजेशंस भी देगा। मैं यहाँ पर एरो ले जाता हूँ, ये देखें, क्रिएट अ कैची टाइटल, पहला इसने पहली बात कही है कि क्रिएट अ कैची टाइटल, यानी कि
और आप आई विल लिखना तो मास्ट है ना, ठीक है, तो आप यहाँ पर एक कैची सा टाइटल लिखेंगे जिससे आपका जो क्लाइंट है फौरन ही आपकी तरफ मतवज्जो हो जाए और वो कहे कि यही इसी से मैंने काम करवाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आई विल डिजाइन योर पोस्टर। अच्छा, मैक्सिमम जो स्टार्टअप के लिए आपको सजेशंस दी जाती हैं वो ये होती हैं कि आप जब भी नया न्यू स्टार्ट ले रहे हैं किसी भी स्किल को डिजाइन मतलब स्किल के थ्रू अर्न करने के लिए, तो आप वहां पर लिखते हैं कि आई विल डिजाइन योर पोस्टर इन वन डे, पोस्टर विद इन वन डे। अगर आपके पास टाइम है कि आपको जब भी मैसेज आता है तो आप उसके 24 आवर्स के अंदर अंदर उसको बनाकर दे सकते हैं, तो आप ये लिखेंगे, वरना आप ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर आप उसको आपको जब भी मैसेज आता है उसी टाइम पे आप उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर डिजाइन करके दे सकते हैं तो ठीक है, ये लिखेंगे आप, वरना आप ये ना लिखें। आप इसको यहाँ पर लिख दें, आई विल डिजाइन योर पोस्टर्स। अच्छा, अगर आप पोस्टर में भी फर्दर टाइप्स आ जाती हैं, गेमिंग पोस्टर्स है, बिजनेस कार्ड बिजनेस पोस्टर है, कोई कोई एडवर्टाइजमेंट का पोस्टर है, मतलब बिजनेस पोस्टर्स की भी आगे टाइप्स है ना, इसी तरह आपका कोई किसी इंस्टीट्यूट का पोस्टर है, मतलब डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। तो मैं अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कहता हूँ कि मैं गेमिंग पोस्टर आपका डिजाइन करूंगा, तो आप यहाँ पे लिख दें, आई विल डिजाइन योर गेमिंग पोस्टर्स विद कैची डिजाइन। डिजाइन का वर्ड हमने यूज कर लिया, हम दोबारा नहीं करेंगे। आई विल डिजाइन योर गेमिंग पोस्टर्स विद कैची विद अट्रैक्टिव लुक, विद अट्रैक्टिव लुक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम कैटेगरी ऐड करेंगे अपनी गिग की, हमारी गिग कौन सी कैटेगरी में, हमने जो कैटेगरी अपनी प्रोफाइल में ऐड की थी ना उनमें से भी हम चूज कर सकते हैं। और अगर हम गिग में कोई और स्किल सेल कर रहे हैं, अगर हम कुछ और अपनी कोई किसी और स्किल से काम लेकर बेचना चाह रहे हैं तो हम वो ऐड कर लेंगे। यहाँ पर बिजनेस है, लाइफस्टाइल है, फोटोग्राफी, एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स। जैसे बिजनेस में क्या क्या आता है, बिजनेस में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आप अच्छा आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग भी बिजनेस में आ जाती है, ठीक है। आप इंटरप्रेन्योर हैं तो आप बिजनेस को सिलेक्ट करेंगे इसी तरह, ठीक है। मैं अभी फिलहाल ग्राफिक एंड डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, और सब कैटेगरी यहाँ पर आपको पूछ रहा है आपने ग्राफिक डिजाइन में क्या क्या करते हैं, क्या कौन सी चीज आप करना चाह रहे हैं, किस चीज की गिग बनाना चाह रहे हैं, लोगो डिजाइन आप करना चाह रहे हैं, ब्रांड स्टाइल, गेम आर्ट, ग्राफिक फॉर स्ट्रीमर्स, करते करते बहुत सारा कुछ है इसमें। आप यहाँ पर आप सिंपली स्क्रॉल करेंगे और सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, अगर आपकी चॉइस यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, मतलब इनमें से आप कोई भी चॉइस नहीं करना चाह रहे, तो आप यहाँ से अदर अदर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और मैं फिलहाल यहाँ पर इन्हीं में से सेलेक्ट कर लेता हूँ गेम आर्ट, ठीक है। उसके बाद इसने अच्छा यहाँ पर आपको सजेस्टेड कैटेगरीज भी दी हुई हैं, फ्लायर डिजाइन, पोस्टर डिजाइन, सोशल मीडिया डिजाइन, ठीक है। इधर अगर मैं क्लिक करता हूँ ये आपको आई थिंक सिलेक्ट कर देगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। टाइटल कैन कंटेन्स लेटर्स एंड नंबर्स ओनली। अच्छा, आपके टाइटल में डॉट भी नहीं होगा, अगर यहाँ पर ये लिख देगा ना कि परफेक्ट या गुड या बेटर, ठीक है, तभी आपका टाइटल पास होगा, वरना अगर इसको अच्छा नहीं लगा टाइटल तो ये आपको कहेगा नहीं आप टाइटल दोबारा लिखें। तो मेरा टाइटल इसको जस्ट परफेक्ट लग रहा है तो ठीक है, इसको अच्छा लगा तो ठीक है, पास हो गया। उसके बाद आपके गिग का मेटा डाटा आता है। मेटा डाटा क्या होता है, किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन, यानी अब गिग है ना तो गिग के बारे में इंफॉर्मेशन आप देनी है, मतलब गिग तो आप बना रहे हैं अपने ग्राफिक डिजाइन की, तो आप सारी इन्फॉर्मेशन ग्राफिक डिजाइन की देंगे, लेकिन यहाँ पर आपने गिग की इंफॉर्मेशन देनी है। फॉर्मेट टाइप, आप जिस फाइल में आप उसको जो देंगे आपका डिजाइन, व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट डू यू डिजाइन, आप किस टाइप का डिजाइन कर रहे हैं। अच्छा, फिलहाल मैं कह देता हूँ फ्लायर्स है, ठीक है। अब फ्लायर्स में वो और चीजें पूछ रहा है, अजीब अजीब सी, ठीक है, छोड़ जाने दें। अब इमेज फाइल फॉर्मेट, आप जिस चीज में जिस फॉर्मेट में अपनी गिग या उसके साथ एक्स्ट्रा चीजें कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस किस फॉर्मेट में देंगे। तो अब फ्लायर मैंने सेलेक्ट किया तो इसको फाइवर को ऑलरेडी पता चल चुका है कि फ्लायर जो है इन फॉर्मेट्स में अवेलेबल होता है, तो मैं अब उसको कह देता हूँ मैं AI फॉर्मेट भी दे दूंगा, JPG भी दे दूंगा आपको, PDF भी दे दूंगा, PNG भी दे दूंगा और PSD भी, ये सारे फॉर्मेट्स में आपको दे दूंगा।
और अगर इनके अलावा कोई फॉर्मेट भी मैं देना चाहता हूँ तो वह मैं अदर सेलेक्ट कर लूँगा। तो आई थिंक यहाँ से इनके अलावा मैं SVG फॉर्मेट भी दे सकता हूँ। मैं यहाँ पर लिख दूंगा सिंपली SVG, ठीक है। अगर आपकी आप जो डिज़ाइन कर रहे हैं, आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके आपके पास कोई और फॉर्मेट्स हैं अगर, और आप उन उन फॉर्मेट्स में भी देना चाहते हैं अपनी अपनी फाइल जो आप सेल करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर वो लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ रहे हैं पॉजिटिव कीवर्ड, सर्च टैग्स। हाँ, सबसे मेन चीज़ आपके पास आ जाती है टैग्स। इन टैग्स के थ्रू आपकी गिग जो है वो रैंक करती है अदर गिग्स के साथ, ठीक है। आपकी और भी कई सारी गिग्स लोगों ने अपलोड की होती हैं, ठीक है। तो वो आप वहाँ पर, आपके पास ये प्रॉब्लम आती है कि आपके से आपसे पहले जो यूज़ कर रहे हैं फाइवर, जो पहले आपसे फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, उनके पास रैंकिंग है, उन्होंने पहले भी काम किया हुआ है, उनको स्टार्स मिले हुए हैं, उनके पास रैंकिंग है, उनकी गिग आपसे ऊपर शो हो रही है। जबकि अगर आप टैग्स, कुछ ऐसे टैग्स यूज करते हैं जो कि जिन टैग्स में मिनिमम से मिनिमम जो है गिग्स हों। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो मैंने यहाँ पर पूरी रिसर्च की हुई है इसके ऊपर। SEO कहते हैं उसको, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो मैंने यहाँ पर की हुई है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर YouTube थंबनेल्स का जो टैग है वो सबसे कम गिग्स है उसमें। तो कम गिग्स का मतलब है कि उस पे मुझे टोटली पूरी वर्ल्ड में 256 गिग्स मिली है, ठीक है। एट ए टाइम यहाँ पर क्लाइंट्स, आई थिंक 70 to 80 क्लाइंट्स ऑनलाइन होते हैं फाइवर पर। तो वो 70 to 80% जो है, 70 to 80 गिग्स जो है वो एक टाइम पर मतलब कंज्यूम हो जाएंगी। तो आपका वहां पर इजीली आपको वर्क मिल सकता है, ठीक है। एक कंट्री की मैं बात करूँ कि 78 क्लाइंट्स नॉर्मली, मैं जो कह रहा हूँ उस यूट्यूब थंबनेल को बाय करने के लिए अवेलेबल होते हैं। तो अब आप यूट्यूब थंबनेल नहीं बना रहे, आप बना रहे हैं फ्लायर। तो मैं यहाँ पर स्पेसिफिक टैग दूंगा फ्लायर, आई कैपिटल नहीं करेंगे फ्लायर, यहाँ देखें बिजनेस फ्लायर नहीं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गेमिंग फ्लायर, गेमिंग पोस्टर आई थिंक, हाँ गेम गेमिंग आई थिंक, ये नहीं दे रहा, चाह रहा फ्लायर ही लिख देते हैं। नहीं, हम बिजनेस फ्लायर का ही दे देता हूँ क्योंकि ये अब यहाँ पर नहीं शो कर रहा, तो हम वो नहीं देंगे, दे नहीं सकते तो हम नहीं देंगे, कोई इशू नहीं है। आप, आपके गिग के टाइटल में लिखा हुआ है कि आप गेमिंग पोस्टर डिजाइन कर रहे हैं, पोस्टर ठीक है, तो आप यहाँ पर कोई इशू नहीं है इसका, ठीक है। पोस्टर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो छोड़, आप यहाँ पर पोस्टर डिजाइन आप अपना अपना ऐड कर लें, अगर ये करने देता अलाउ करता है तो ठीक है, हो गया ऐड। अब मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ गेमिंग पोस्टर, एंटर आप प्रेस करेंगे आपके पास ऐड होंगे। आप मैक्सिमम 5 टैग्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक और टैग ऐड कर लेता हूँ और वो है पोस्टर नहीं, ये हमने लगा लिया, ये 3 टैग हमारे बेसिक थे तो हम लगा लिए हैं। तो हम यहाँ पर एक और टैग लगा लेते हैं, हाँ गेमिंग फ्लायर भी लिख लेते हैं क्योंकि पोस्टर को मैक्सिमम लोग जो है वो फ्लायर ही बोलते हैं, तो मैं यहाँ पर गेमिंग फ्लायर लिख देता हूँ। और हम गेमिंग बैनर भी लिख देते हैं ताकि उस टैग में भी हमारी गिग शो हो जाए, ठीक है। मैं सेव एंड कंटिन्यू प्रेस करूंगा, ये सारे स्टेप्स मेरे सेव होंगे और तब ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, प्राइसिंग। वो नेक्स्ट स्टेप जो प्राइसिंग का आता है, सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। ये बाप के पास एड स्टॉक मीडिया, ओके, फिलहाल आप क्रॉस हो यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर अब आपके पास स्कोप एंड प्राइसिंग की का ये आ गया है नया पैनल, ठीक है। यहाँ पर आपने अपनी जितने भी पैकेज आप जो दे रहे हैं वो यहाँ पर लिखने हैं। आपका एक पैकेज होता है बेसिक, एक होता है स्टैंडर्ड, एक प्रीमियम, इनको आप नेम भी दे सकते हैं, ठीक है। बेसिक में होता है कि आप कोई बेसिक बेसिक सी चीज़ें दे रहे होते हैं, जैसे कि अब मैंने जो पीछे फाइल्स सेलेक्ट की थी कि मैं ये फाइल्स आपको प्रोवाइड करूंगा, तो आप यहाँ पर उनमें से एक दो फाइल्स दे रहे होंगे, ठीक है, और अपने पैकेज का नाम रख देंगे कि सिल्वर फॉर एग्जांपल, रैंकिंग ए कर अब्दुल्ला लेंगे। भाई, ये ऑर्डर कब से आना शुरू हो जाएंगे? जी मैं बता दूँ, आपकी ये गिग जब कम्प्लीटली बन जाएगी ना, तो उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि आपने SEO किस तरह की है, वो जो आपने टैग्स यूज किए ना पीछे, यार ये ऐसी होती क्या चीज़ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है। इसमें क्या किया जाता है कि आपका थोड़ा गाइड जो, कर दें इसके बारे में। जी मैं करता हूँ,
ये एक्चुअली मैंने इस सेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया ना, तो आज के सेशन में मैं ये प्राइसिंग तक आपको बता दूंगा ना, तो आप फिलहाल गिग अपनी तैयार करें, अकाउंट वगैरह बनाएं, तो जब हमारी कंप्लीट गिग बन जाएगी ना, उसके बाद मैं आपको एसईओ भी बता दूंगा, ठीक है? ओके ओके नो प्रॉब्लम। 3 पार्ट्स मैंने डिवाइड किया ना, क्योंकि मेरी जो तरतीब है, अगर आप भी आई होप कि उसको फॉलो करें, तो उसी तरतीब को मैं फॉलो करके चलूंगा, तो जो है मेरे लिए भी इजी होगा और आपके लिए भी इजी होगा, क्योंकि समझना भी इजी होगा उसी तरह, और स्टेप्स भी वही हैं, ठीक है? अभी फिलहाल आपको एसईओ का मैं नहीं बता रहा, तो एसईओ वैसे तो हम हर गिग बनाने से पहले करते हैं, ठीक है? तो इस वक्त अभी हम गिग क्रिएशन सीख रहे हैं, तो फिलहाल हम सिंपल सी एक गिग तैयार करेंगे, उसके बाद हम एसईओ भी सीखेंगे, ठीक है? आप अपनी गिग जब तैयार करेंगे तो आप लोग पहले एसईओ करेंगे, इस वक्त मैं आपको सिर्फ बनाना सिखा रहा हूँ गिग, ठीक है? तो यहाँ पर हम बेसिक अपनी कोई भी, हमने जो बेसिक उसके बारे में पैकेज हम बना रहे दे प्रोवाइड कर रहे हैं, वो यहाँ पर लिख लेंगे। उसका नेम मैं रख देता हूँ सिल्वर, और मैं इसका नेम रख देता हूँ गोल्ड पैकेज है मेरा, और ये जो है मेरा डायमंड पैकेज है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैंने नेम दे दी, कोई भी रैंडम नेम दे सकते हैं। अच्छा, अब डिटेल मैं देना चाहता हूँ यहाँ पर, तो डिटेल में मैं लिख दूंगा कि जान छुड़ाने वाला काम हम करेंगे फिलहाल, सिल्वर गोल्ड और प्रीमियम, ठीक है? उसके बाद हम यहाँ पर इस बेसिक जो है यहाँ पर, अच्छा डिटेल्स में आप ये भी लिख सकते हैं कि मैं जो आपका ये बेसिक पैकेज है, इसमें आपको इन दिस पैकेज, जितना शॉर्ट इंग्लिश आप लिख सकते हैं उतनी शॉर्ट लिखनी है, इन दिस पैकेज, या मैं अभी ये भी नहीं लिखता कि इन दिस पैकेज, मैं सिंपल डायरेक्ट ही अपने अपनी पॉइंट की बात पे आ जाता हूँ, मैं लिख देता हूँ कि सोर्स फाइल विल सोर्स फाइल इज नॉट अवेलेबल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सोर्स फाइल इज नॉट अवेलेबल, ठीक है? एंटर, और मैं लिख देता हूँ कि AI कॉमा JPG, ओ आई थिंक सोर्स फाइल ही है, लिखता हूँ AI कॉमा JPG फाइल आर अवेलेबल, ठीक है? जो मैंने आपको कुछ देर पहले बात की, आपकी जो ये पंक्चुएशन है, वो सारी ग्रामर है, ये सब बेस्ट परफेक्ट बन जाएगी, ठीक है? JPG एंड फाइल्स आर अवेलेबल, ठीक है? यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास आपको सिर्फ ओनली 2 फाइल्स विल बी अवेलेबल, कि आपके पास सिर्फ 2 फाइल्स होंगी जो आपको बेसिक पैकेज में मिलेंगी, इनकी प्राइसेस भी इसी हिसाब से होंगी। तो हम अभी बेसिक पूरे पैकेज को डिज़ाइन कर लेते हैं, बेसिक पैकेज का हम डिलीवरी टाइम कर देते हैं कि आपको ये जो पैकेज है हम 7 डेज में आपको बन के मिल जाएगा, और आपको AI फाइल और JPG फाइल भी मिल जाएगी साथ में। अच्छा, अब उसके बाद हमें कह रहे हैं कि हम रिवीजन सेलेक्ट करें, रिवीजन या का मतलब है कि आप, अच्छा आप जितनी ज़्यादा रिवीजन उसको कहते हैं ना, यानी रिवीजन ये होती हैं कि वो जो क्लाइंट है आपसे जितनी बार मर्जी चेंजिंग करवा ले, और वो जितनी बार चेंजिंग करवाएगा उसमें आपका फायदा है, क्योंकि वो आप नीचे एक्स्ट्रा चार्जेस लिखेंगे कि एक बार चेंजिंग करवाने पर हम आप हमें $5 या $10 एक्स्ट्रा देंगे। मैं यहाँ पर कर देता हूँ अनलिमिटेड रिविजन्स, यानी वो क्लाइंट जितनी बार चाहे मुझसे रिविजन्स करवा ले, चेंजिंग करवा ले। उसके बाद अब ये प्रिंट रेडी फाइल वो होती है कि जो हमारी प्रिंट हो सके, यानी उस फाइल की साइज, फाइल का साइज है वो बहुत बड़ा होता है, या आपको आपको राइट पे ऑप्शन भी दे रहा है, ये मैं इसके ऊपर एरो लेके जाता हूँ, ये राइट पे आपके पास ये होता है कि प्रिंट रेडी के बारे में क्या होता है, फाइल एंड इमेजेस आर इन प्रॉपर फाइल एंड कलर फॉर्मेट्स टू बी प्रिंटेड, यानी जिनको हम प्रिंट निकलवा सकें। ये तो ग्राफिक्स से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर फाइल्स की बात हो रही है, लेकिन जो आप अगर कोई और स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें किसी और टाइप की, जैसे अगर आप ऑटो कैड का वर्क होता है, आई थिंक इलेक्ट्रिकल वाले करते हैं, तो उसमें भी आई थिंक फाइल्स ही होती हैं, तो वो भी फाइल्स इसी तरह होती हैं, इसी कुछ ऑप्शंस थोड़े से डिफरेंट होंगे, लेकिन उनको पता होता है कि किस किस फाइल की बात हो रही है, ठीक है? सोर्स फाइल नहीं, हम सोर्स फाइल दे रहे हैं क्योंकि AI फाइल जो हमारे ग्राफिक्स डिजाइनिंग में वो सोर्स फाइल ही होती है। अच्छा, डबल साइडेड है, ठीक है जी, डबल साइडेड है, कस्टम यानी दोनों साइड से हमने डिजाइन किया फाइल को, और कस्टम ग्राफिक्स यानी अगर वो चाहे तो ग्राफिक्स चेंज करवा ले बीच में से, नहीं हमें नहीं, ये बेसिक में नहीं, हम पैकेज में दे रहे हैं।
फोटो एडिटिंग भी नहीं कर रहे हम उसमें, सोशल मीडिया डिजाइन भी नहीं है कमर्शियल यूज में, हम वो कमर्शियली यूज कर सकता है, ठीक है कर सकता है जी, शिपिंग भी कर सकता है जो मर्जी करे उसको फाइल के साथ, ये हमने बेसिक पैकेज में उसको अवेलेबल कर दिया। तो ये वाला जो शटर स्टॉक वाला इन्होंने जो है ये बाद में डाला है, ठीक है, ये है मैं यहाँ पर नहीं ऐड कर रहा, ये ऑप्शन आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है वैसे। उसके बाद बेसिक हमने पैकेज बना दिया कि ये हमारा बेसिक पैकेज है, इसमें आपको ये मिलेगा। अच्छा, अब ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज, अगर आप बेसिक पैकेज में, बेसिक पैकेज हमने कहा कि हम 7 डेज में दे देंगे, अगर आप हमसे बेसिक पैकेज 3 डेज में चाह रहे हैं तो आपको जो है एक्स्ट्रा $10 पे करने पड़ेंगे, ऐसा हम उसको कह रहे हैं, ठीक है। अगर आप जो है बेसिक पैकेज 3 दिनों में हमसे चाह रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा $10 पे करने पड़ेंगे ताकि हम आपका 7 डेज का पैकेज 3 डेज में आपको अवेल कर दें। यहाँ पर हम अपने पैकेज की प्राइस भी सिलेक्ट करेंगे, देखिए शटर स्टॉक बीच में इन्होंने ऐसे डाल दी। और अच्छा एडिशनल रिविजन, हम तो वैसे ही अनलिमिटेड रिविजन दे रहे हैं, तो एक एक रिविजन पे हम $5 एक्स्ट्रा ले लेंगे जी, एंड एन एडिशनल 1 हम 1 दिन और लेंगे अपनी रिवाइज करने में उसको, और अगर आपने आपको सोर्स फाइल चाहिए तो हम एक एक्स्ट्रा $5 लेंगे, अगर आपको डबल साइडेड चाहिए एक और तो हम $5, मतलब आप अपनी रेटिंग्स इधर से सेट कर